जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरा हो गया, ठीक। अब है आज भी हम उसी में हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही। अभी तक तो आप सीधा ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, आपको बता दिया गया है कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब कुछ वर्ड का यूज इसमें ऐसा हो जाएगा कि आपको अपने पता करना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किसको ऐड करना है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको अपने पता लगाना होगा। तो इस प्रकार का आपको हम दो चार क्वेश्चन बता दें, ठीक है। उसके बाद टाइम मिलेगा तो आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक। ये तो आपको दिमाग लगाना होगा ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन को समझना होगा, तब ना आप उस औजार से उसका इलाज कीजिएगा कि ऐड करो, किसको किसको ऐड करो, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करो। नहीं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका आज। चलिए, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 12 है, अलजेब्रा पार्ट 12 किसके लिए है, क्लास 7 के लिए और क्लास 8 के लिए, ठीक है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दो, एक सिंपल क्वेश्चन आप लीजिए कि क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डज बी प्लस सी एक्सीड कितना बी माइनस सी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा। यहां तो नहीं बता रहा है कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, नहीं बता रहा है। आपको अपने पता लगाना है ना कि किस में ऐड करना है या किस में सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मीनिंग आपको समझना होगा, यह क्या कह रहा है, तो आपको अपने भाषा में समझना होगा, तब ना आप उसको रिले कीजिएगा। हाउ मच माने क्या, कितना से, हाउ मच माने क्या, कितना से डज बी प्लस सी, एक काम करो बी प्लस सी को तत्काल हम छोड़ दें, बी माइनस सी को भी छोड़ दें, इसके बदला में अपने दिमाग में कोई नंबर ले आओ, कुछ भी। बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 5, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 5 माने 7 5 से कितना ज्यादा है, यही होगा। बाय हाउ मच डज बी प्लस सी क्या बोले, 7 बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 5 माने 7 5 से कितना ज्यादा है, 7 5 से कितना ज्यादा है, बात समझ गया। बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 5, 7 5 से कितना ज्यादा है, इसका मतलब कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कैसे पता चला, 7 माइनस 5 तब ना 2 आया। उसी प्रकार से इसको दिमाग में सेट करो, बाय हाउ मच डज बी प्लस सी एक्सीड बी माइनस सी माने बी प्लस सी बी माइनस सी से कितना ज्यादा है, बी प्लस सी बी माइनस सी से कितना ज्यादा है, यानी बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये तो आपको अपने करना होगा। इसके बाद फिर आपको आता है नहीं, यानी क्या करना होगा, b प्लस सी ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस b माइनस सी, ये नहीं रिजल्ट आया। इसके बाद तो आपको आता है, लेकिन वो चीज तो आपको अपने करना होगा, उसमें थोड़ा अस्थिर होकर उसको उसके बारे में सोचिए और तब उस पर आइए आगे। तो b प्लस सी माइनस b प्लस सी, प्लस b माइनस b गया, रिजल्ट आ गया आपका कितना, समझ गया बात है। फिर देखिए एक बार, बाय हाउ मच डज
बी प्लस सी एक्सीड बी माइनस सी, माने बी प्लस सी बी माइनस सी से कितना ज्यादा है, बी प्लस सी बी माइनस सी से कितना ज्यादा है। अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन रख लीजिए, टेन टू से कितना ज्यादा है, टेन टू से कितना ज्यादा है, टेन माइनस टू माने एट, माने टेन टू से एट ज्यादा है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, समझ गए। चलिए अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन जैसे एक तुम्हारा देखो कि टेक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फ्रॉम थ्री पी क्यू माइनस फोर क्यू स्क्वायर एन एट द रिमाइंडर टू द सम ऑफ फोर पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर एंड टू पी स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। अब इसको दिमाग में पहले रखना होगा ना, क्वेश्चन क्या है, यह क्या कह रहा है और इसके लिए हमको क्या करना है। ठीक, माने क्या, माइनस करो। ठीक, इसको माइनस करना है, कहां से माइनस करना है, फ्रॉम इतना, बात समझ गया, माने इसको माइनस करना है किसमें से, इसमें से। ये काम क्लियर, एक स्टेप क्लियर। दूसरा, एंड एड द रिमाइंडर, माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको, एंड एड द रिमाइंडर किसमें, टू द सम ऑफ इतना एंड इतना। माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें इस दोनों को प्लस करो, समझ गया बात अब। यानी टेक इतना फ्रॉम इतना, यानी क्या, थ्री पी क्यू माइनस फोर क्यू स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको बाकी दोनों के साथ क्या करना है, प्लस करना है, है? तो माइनस करो, थ्री पी क्यू माइनस फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, थ्री पी क्यू माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। अब इसको किसके साथ प्लस करना है, सम ऑफ इतना एंड इतना एक साथ कर दो, यानी इतना प्लस फोर पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या लाइक टर्म को एक साथ लेकर के, ये तो बताना हमको नहीं है जरूरी। चलिए, हम आपको समझाना है, प्लस माइनस आपको आता है, हमको समझाना है कि कहां क्या करना होगा। पहले तो आपको समझना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। ठीक, चलिए, जैसे अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लीजिए, बाय हाउ मच डज द सम ऑफ डज द सम ऑफ टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन कॉमा
थ्री एम स्क्वायर प्लस 36 एम प्लस 6 फॉल शॉर्ट फ्रॉम द फॉल शॉर्ट ऑफ इलेवन एम स्क्वायर प्लस 16। बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? बाय हाउ मच डज दिस सम ऑफ इतना एंड इतना, इसका मतलब ये दोनों का तो सम करना है, ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों का सम करना है। ठीक है, सम करने के बाद रिजल्ट आएगा कि ये दोनों का सम इतना हुआ। ठीक है, तो उसको मान लो तुम क्या ए दिमाग में रख लो ए, और फिर क्वेश्चन पढ़ो, बाय हाउ मच डज द सम ऑफ ए, सम को भी हटा दो, बाय हाउ मच डज ए फॉल शॉर्ट ऑफ इतना। बात समझ गया? क्या करेगा इसमें सोच के देखो, सब चीज हम ही सोचेंगे, तू अपना पर भी तो सोच के देखो। आया दिमाग में क्या करना होगा? बाय हाउ मच डज द सम ऑफ इतना एंड इतना फॉल शॉर्ट ऑफ इतना, इतना से कितना क्या है कम है, क्या है इतना से कितना या कम है, यानी क्या करेंगे उसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है इसको माइनस कर देना है। अब समझ गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें वर्ड में जरूरी है, अपना सोचो इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे व्हाट इज द रिजल्ट, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन इतना इज टाइम कितना व्हेन इतना इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, ये तो बता चुका है। अब एक जैसे क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम फाइव, इसी का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट, जैसे क्वेश्चन को देखो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर फ्रॉम 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको घटाओ, किसको घटाओ, सम ऑफ इतना एंड इतना, ये दोनों के सम को, तो पहले तो सम करो, कर लेंगे, उसके बाद कहां से घटाना, फ्रॉम 5, 5 में से, किसमें से घटाना है, 5 में से, यानी 5 में से घटाना है वो दोनों के सम को, है ना। चलो आगे देखो, अब इस प्रकार का वर्ड का यूज तुमको किया रहेगा तब तुमको क्वेश्चन बनाना होगा। अब हम क्या करें, तुमको क्वेश्चन दें, चलो अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो, आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को यहां खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट वाला सिंप्लीफिकेशन में चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बता दिए हमको जो बताना था बता दिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम्स फॉर मी वन, the sum of x minus
माइनस वाई प्लस थ्री जेड एंड माइनस टू आई माइनस टू जेड फ्रॉम द सम ऑफ टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस थ्री जेड एंड माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड हो गया। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, क्या लिखे हैं वो, एड टुगेदर द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, सब प्लस ए, एक ही क्वेश्चन हमने लिखा। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, एड टुगेदर थ्री ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस सी ए ए बी माइनस टू बी सी प्लस फाइव सी ए फ्रॉम दी सम टेक फाइव सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ x माइनस वाई प्लस थ्री जेड एंड माइनस टू वाई माइनस टू जेड फ्रॉम द सम ऑफ टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस थ्री जेड एंड माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड। क्वेश्चन नंबर फोर, एड टुगेदर थ्री ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस फाइव एंड 2a cube plus 5a minus 3 and diminish the result by 3b minus 7, 3b minus 7। चार हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखो, फाइंड द सम ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट कॉमा टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2x square minus 2 and subtract the result from 6x square plus 3। ठीक है, फाइव हो गया, एक और इसमें आ जाएगा, सिक्स में आ जाएगा। What expression must be added to 5a square minus 3a plus 12 to produce 6a square minus 8?
हो गया छ, हैं? ठीक, आवाज है ऊपर में साफ करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बाय हाउ मच डज ए प्लस बी माइनस सी एक्सीड ए माइनस बी प्लस सी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम था, एक क्वेश्चन हो जाएगा। टू व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट 3x माइनस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4 बी एडेड सो एच टू मेक 0 मेक जीरो। ठीक है, कितना टाइम हो गया? टाइम हो ही गया, अब लगता है नहीं लिखाएगा। एक बार 9 ले लो। बाय हाउ मच डज -1 एक्सीड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, एक और ले लो। 10 बाय हाउ मच माइनस ए माइनस बी प्लस सी एक्सीड्स ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।